मॉर्निंग एवरीवन, जो अब हम करने जा रहे हैं अपना सेकंड लेक्चर है वेक्टर स्पेस का, जिसमें मैं पहले लेक्चर में मैंने 15 थ्योरम्स कर दी थी, अब 16 थ्योरम करनी है हमने। वो उसकी स्टेटमेंट क्या है, लेट वी एफ कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो, देन इसका कोई ना कोई देन ए फाइनाइट सेट है बी हैज बेसिस, किसी भी को बेसिस कहेंगे। बेसिस की क्या डेफिनेशन थी, एक तो लीनियर इंडिपेंडेंट था, ठीक है, ये थी, एक लीनियर स्पैन ऑफ बी वी के इक्वल था। अब ये थ्योरम के बाद बेसिस की एक और डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है जी। वो क्या डेफिनेशन है, कोई भी सेट को बेसिस कहेंगे इफ एनी एलिमेंट ऑफ वी कैन बी यूनिकली रिटर्न एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ बी। एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल वी कैन बी यूनिकली रिटर्न एज एलिमेंट्स ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। अगर हमें बी को बेसिस शो करना है, इसके लिए एक तो तरीका ये शो कर दो ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, लीनियर स्पैन वी के इक्वल है। दूसरा तरीका ये है कि कोई भी वी का एलिमेंट लो, अगर वी के एलिमेंट को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी लिख दें, यूनिकली लिखा जा सके सिर्फ एक तरीके से, देन हम कहते हैं बी कैपिटल बी इज ए बेसिस, ठीक है जी। करें प्रूव इसको, तभी पता चलेगा हमें क्या चीज हो रही है इसमें, देखते हैं कैसे प्रूव किया है हमने, ठीक है। इसके लिए हमें पहले तो गिवन है बी बेसिस है, हमने शो करना है कि ईच एलिमेंट ऑफ बी इज यूनिकली रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, क्योंकि बेसिस है तो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा एंड लीनियर स्पैन होगा। इससे पता चला क्योंकि लीनियर स्पैन ऑफ बी वी के इक्वल है, देखो कोई भी वी का एलिमेंट लेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ बेसिस इट इज रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी, ठीक है। अब ये शो करना हमने, लीनियर कॉम्बिनेशन तो लिख सकते हैं, इसको सिर्फ यूनिकनेस एक तरीके से लिख सकते हैं, हमने इसको दो तरीके से मान लेना है। देखिए ये देखिए मैंने दूसरे तरीका एक और से मान लिया, अदर अनदर रिप्रेजेंटेशन हमने शो करना है, ये यूनिक है, वी को दो तरीके से नहीं लिख सकते। अगर लिख सकते हैं तो इट मीन्स ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। ये वैल्यू मैंने उठाकर यहाँ पे पुट कर दी, देखिए दोनों आपस में इक्वेट करवा दिए, इसको राइट साइड पे ले गया, लेफ्ट साइड पे दोनों को ले गया, एक्स वाले आपस में इकट्ठे कर लिए, एक्स टू वाले आपस में। अब ये जो सेट है एक्स वन एक्स टू, हमें ये एक्स एन, ये क्या था हमारा बी, बी क्या है हमारा बेसिस, बेसिस मीन्स वो क्या है लीनियर इंडिपेंडेंट, क्योंकि लीनियर इंडिपेंडेंट तो जो इसके आगे वाले होंगे वो सारे क्या होंगे हमारे, वो सारे जीरो के इक्वल होंगे, इसको जीरो के इक्वल रखा, इससे आया ये, यही हमारी यूनिकनेस थ्योरम है। देखो इससे ये तो प्रूव हो गया कि अगर बेसिस है तो यूनिकली लिख सकते हैं, अगर यूनिकली लिख सकते हैं कि एनी एलिमेंट ऑफ वी इज यूनिकली रिटन एज दिस, देन हमने शो करना है यूनिक, क्योंकि इसको लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं तो बाय डेफिनेशन ये तो हो गया सीधा। अब हमने तो शो करना है कि बी बेसिस है, बेसिस के लिए क्या शो करेंगे, एक तो लीनियर इंडिपेंडेंट और लीनियर स्पैन वो तो हो गया, अब हमने सिर्फ शो करना है ये लीनियर इंडिपेंडेंट है। वो कैसे शो करेंगे बी को लीनियर इंडिपेंडेंट, बी क्या है हमारा ये लीनियर इंडिपेंडेंट, कैसे शो करते होते, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो के इक्वल रखो, अगर सारे इसके कॉफिशेंट जीरो आ जाए देन इट इज लीनियर इंडिपेंडेंट। देखें अब इसको कैसे शो किया मैंने, पता है मुझे पता है जीरो जो हमारा है, हमारा जीरो वी का एलिमेंट हमें पता है, क्योंकि जीरो वी का एलिमेंट है, जीरो को मैं ऐसे जीरो इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, बेसिस है कि एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन में, क्योंकि हमें गिवन है कि ईच एलिमेंट को हम बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में ऐसे लिख सकते हैं, बट हमें ऊपर हमने फोर्थ में कहा है जीरो तो इसके इक्वल है, क्योंकि जीरो को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया तो हमें यूनिकनेस कह रही है, यूनिकनेस गिवन है ना हमें यूनिकनेस, इस किसी भी एलिमेंट को सिर्फ एक तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीरो को दो तरीके से लिख दे इट मीन्स इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये इक्वल होंगे, एज इट इज अल्फा टू इज इक्वल टू जीरो होगा, एज इट इज अल्फा एन इज इक्वल टू जीरो होगा, यही हमने प्रूव करना था, इट इज लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर स्पैन है ही, देयरफॉर इट इज अ बेसिस, क्लियर है। देयरफॉर आगे से जब भी हमने बेसिस शो करना है या तो शो कर दीजिए वो लीनियर इंडिपेंडेंट, सेकेंड लीनियर स्पैन ऑफ बी वी के इक्वल, या सिर्फ ये शो कर दीजिए साथ में ये शो कर दीजिए ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये यूनिक है। ओके
ये तो हमारी हो गई बेसिस की थ्योरम। नेक्स्ट देखे हम नेक्स्ट थ्योरम इनवेरियंस थ्योरम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जी। इनवेरियंस ये कह रहा है अगर VF फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, अभी हमने कहा है अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा तो इसका कोई ना कोई, ये हमने एग्जिस्टेंस थ्योरम की थी, तो इसका कोई ना कोई बेसिस होगा। अब हमने ये शो करना है इसके जो बेसिस हैं, चाहे 5 बेसिस हो चाहे 10, उसमें एलिमेंट सेम होंगे। एवरी बेसिस ऑफ B है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, क्योंकि V फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, इसका बेसिस तो पक्का होगा, बट बेसिस में एलिमेंट्स फाइनाइट काउंट कर सेम एलिमेंट्स होंगे। हमने बेसिस इसके दो मान लिए V, क्योंकि फाइनाइट डायमेंशनल, इसके दो बेसिस मान लिए, पहले में M एलिमेंट्स मान लिए, दूसरे में N एलिमेंट्स मान लिए। हमने शो करना है यूनिकनेस, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, हमने शो करना है कि M इज इक्वल टू N होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट सपोज कर लीजिए M N के इक्वल नहीं है, M N के इक्वल नहीं है, या तो M N से बड़ा होगा या M N से छोटा होगा। मान लीजिए M N से बड़ा है, इसके कंट्राडिक्शन नहीं कराएंगे, क्योंकि हमें पता है बी टू बेसिस है। बी टू बेसिस की अगर डेफिनेशन है, इसका कोई भी एलिमेंट लेंगे उसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। हमें पता है वी, वी का एक तो एलिमेंट ये भी है, एक्स वन एक्स टू सारे वी की एलिमेंट है, देयरफॉर एक्स वन को बी टू के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। एज इट इज एक्स टू भी वी का एलिमेंट है, देयरफॉर एक्स टू को भी वी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। एज इट इज एक्स एम भी वी का एलिमेंट है, उसको भी वी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। देखिए पहले तो ये क्लियर है, इसका मेरा लास्ट में यूज होगा, इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज शो किया, ठीक है। अब क्या किया, मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लेनी है, वो आपने याद रखनी है, ये मैंने अपने तरफ से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसीडर की, इसको आपने याद रखना है। ये मैंने एम इक्वेशंस ली, दीज आर एम इक्वेशंस, कितनी इक्वेशन है ये, सॉरी एन इक्वेशंस है, ये देखिए 1 2 एन तक इक्वेशन है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने, इससे पता चला Z1 Z2 Zm, एम वेरिएबल्स है। अब हमें गिवन है, स्टार्टिंग में हमने माना है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा है, नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है, तो हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में थ्योरम थी, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा हो नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हो तो दी सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होना ही होगा। नॉन ट्रिवियल मीन्स पहले इसका सोल्यूशन हमने मान लिया ही है, नॉन ट्रिवियल मीन्स ये सारे जीरो नहीं होंगे, कोई एक इसमें नॉन जीरो पक्का होगा जी, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन पक्का एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा जी, क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशंस वेरिएबल ज्यादा है, नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है, अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हो नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा हो तो इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन पक्का होता है। ये मान लिया इसमें सारे जीरो नहीं है, इसको गिवन क्योंकि सॉल्यूशन है इसमें पुट कर देंगे तो ये सेटिस्फाई होगा, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशंस बन गई हैं हमारे पास, एन इक्वेशंस ये आ गई। अब मैंने क्या किया, जो पहली इक्वेशन है उसको वाई वन से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड इक्वेशन को वाई टू से कर दिया, लास्ट वाले को वाई एन से कर दिया, फिर सभी को मैंने ऐड कर दिया। देखिए इधर वाला करेंगे, पहले वाले को इकट्ठे करेंगे, अल्फा वन कॉमन आ जाएगा ये बन जाएगा, अगले वाले में अल्फा टू कॉमन आ जाएगा ये बन जाएगा, लास्ट वाले में अल्फा एम कॉमन आ जाएगा ये बन जाएगा। ये हमने बाय वन निकाला, इसकी वैल्यू एक्स वन है, एक्स की वैल्यू एक्स टू है, इसकी वैल्यू एक्स एन है, एंड जो इसके आगे वाले हैं वो सारे जीरो नहीं हैं, क्योंकि सारे जीरो नहीं हैं तो ये सेट क्या बना हमारा, जो ये सेट आया ये तो लीनियर डिपेंडेंट बन गया फिर, क्योंकि इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को अगर जीरो के इक्वल रखेंगे, अगर ये सारे जीरो होते तो लीनियर इंडिपेंडेंट था, बट यहाँ पे तो लीनियर डिपेंडेंट बन गया, विच गिव्स कंट्राडिक्शन, क्योंकि ये तो हमारा बेसिस है, अगर बेसिस है तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। देखें आगे मैंने यही लिखा है इसमें, ये देखिए ये दिस इज लीनियर डिपेंडेंट विच गिव्स कंट्राडिक्शन, बिकॉज ये तो हमारा बेसिस है, अगर बेसिस है तो लीनियर इंडिपेंडेंट है, बट यहाँ क्या आ रहा है लीनियर डिपेंडेंट, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर एम एन से बड़ा नहीं हो सकता, सिमिलरली एम एन से छोटा भी नहीं हो सकता, इट मीन्स एम किसके इक्वल होगा, एन के इक्वल होगा। That's it. This is the invariance theorem. Easy theorem है, कुछ नहीं करना इसमें। Next theorem आती है, एक तो existence theorem important है, invariance theorem important है, last है ये extension theorem important है। Extension theorem क्या कहती है, V is a finite dimensional vector space है, पहले तो इससे पता चला इसका कोई ना कोई, हमने existence theorem की थी क्योंकि ये finite dimensional, इसका कोई ना कोई basis होगा।
एंड सेकंड कहता कोई भी इसका लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट लो, इसका छोटा सेट सबसेट लो जो लीनियर इंडिपेंडेंट हो, तो इसमें कुछ एलिमेंट ऐड करके इसके बेसिस बना सकते हैं। बेसिस पक्का बनेगा, क्यों? क्योंकि ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, बाय एग्जिस्टेंस थ्योरम इसका कोई ना कोई बेसिस होगा ही होगा। पहले तो ये डायमेंशन ऑफ वी मान ली हमने, फाइनाइट डायमेंशनल एन है, बाय एग्जिस्टेंस थ्योरम इसका बेसिस मान लिया हमने एक्स वन एक्स टू एक्स एन है। ये एक ऐसा हमने इसका लीनियर इंडिपेंडेंट छोटा सबसेट मान लिया, हमने शो करना है कि इसमें कुछ एलिमेंट ऐड करें तो इसके बेसिस बन सकते हैं। हमने यही सारे एलिमेंट इसमें लिख दिए, इन दोनों की यूनियन कर दी मीन्स, ठीक है जी, इन दोनों की मैंने यूनियन कर दी, ये लिख दिया एस डैश, ये नया सेट बना। अब मैं ये चेक करूंगा, ये तो लीनियर इंडिपेंडेंट तो गिवन था हमें, ये एस लीनियर इंडिपेंडेंट है हमें गिवन, बी बेसिस गिवन है, हमने ये शो करना है जो नया सेट बनाया है इसको एक्सटेंड करके इसमें कुछ एलिमेंट ऐड करने हैं तब, ताकि ये बेसिस बन जाए। इसमें मैंने सारे एलिमेंट ऐड कर दिए, अब देखते हैं ये बेसिस बनता है या नहीं। हमें गिवन है क्योंकि हमने कहा है कि एस डैश किसके इक्वल है, एस यूनियन बी के, दोनों तरफ हमने लीनियर स्पैन ले लिया, ये मैंने थ्योरम पिछले लेक्चर में कराई थी, लीनियर स्पैन ऑफ एस यूनियन बी इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ एस प्लस लीनियर स्पैन ऑफ बी। लीनियर स्पैन ऑफ एस एज इट इज, क्योंकि बी बेसिस है तो लीनियर स्पैन ऑफ बी किसके इक्वल होगा, बी के, देयरफॉर ये होता है छोटा सेट। लीनियर स्पैन ऑफ एस क्या होता है हमें पता है, लीनियर स्पैन ऑफ एस हमेशा सबस्पेस होता है बी का, देयरफॉर ये छोटा है, अगर इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये बड़ा सेट ही बनेगा, ये तो ग्रुप थ्योरी का रूल है, देखो क्योंकि बड़ा सेट बनेगा इससे आ गया, जो नया सेट बना उसका लीनियर स्पैन वी के इक्वल तो है। इट मींस लीनियर स्पैन का क्या मतलब, अगर इसका कोई भी एलिमेंट लेंगे, लेट हमें पता है वाई आई किसका एलिमेंट है, एस का, ये तो पता है हमें, अगर एस का, एस किसका सबसेट है, वी का, तो वाई आई किसका एलिमेंट होगा, वी का। वी की मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, वाई आई किसका एलिमेंट होगा, नहीं यहाँ पे ये वाली वैल्यू नहीं पुट की मैंने, बिकॉज बी बेसिस है, बेसिस की क्या डेफिनेशन थी, एक तो लीनियर इंडिपेंडेंट होता है और ऊपर से लीनियर स्पैन किसके इक्वल होता है, बी के, ये वैल्यू मैंने उठा के यहाँ पे पुट कर दी, मतलब कि वाई आई इज बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ बी, मीन्स वाई आई इज रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी के, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ये तो एज इट इज लिखा। इसके आगे 0 1 0 1 0 y 1 0 y 2, इससे हम ये कह सकते हैं कि वाई आई किसका लीनियर कॉम्बिनेशन आया, एक वाई वन वाई एम का, एक एक्स वन एक्स एम का, ये क्या था हमारा एस डैश था, यही लिखा है वाई आई इज रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सेट। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं तो क्या होता है, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन होता है तो वो सेट क्या होता है, हमने पीछे थ्योरम की थी, अगर कोई भी एलिमेंट किसी बाकी का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं तो वो सेट लीनियर डिपेंडेंट होता है। तो लीनियर डिपेंडेंट की एक और थ्योरम की थी, अगर कोई सेट लीनियर डिपेंडेंट है तो इसमें पक्का एक ऐसा एलिमेंट होगा विच इज रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग वंस। अब हमारे पास सेट एस डैश क्या था, आइए वाई वन से लेके वाई एम तक, एक्स वन से लेके एक्स एन तक, यही था। अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग वंस है, इट मींस या तो वाई आई इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग वन होगा या एक्स आई इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग वंस होगा। देखें अब पहले मैं कह रहा हूं कि वाई आई कभी भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग वंस नहीं होगा, क्यों? अगर वाई आई लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग वंस लिख सकते हैं तो अगर इसको इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा, क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन आया है, यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो ये वाई वन वाई टू वाई आई तक ये लीनियर डिपेंडेंट होगा। अगर ये छोटा सेट लीनियर डिपेंडेंट है, ये अगर वाई एम तक पहुंचेंगे तो वो भी लीनियर डिपेंडेंट आ जाएगा, विच गिव्स कंट्राडिक्शन। देखो कोई भी वाई आई इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग वन नहीं हो सकता अगर एस डैश लीनियर डिपेंडेंट है, देखो कोई एक्स जेज होगा, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स आई इज लीनियर कॉम्बिनेशन, एक्स के इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग वन होगा। प्रोसीडिंग में कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो एक्स वन एक्स के माइनस वन आ रहा है, एक वाई आई सारे आ रहे हैं। देखो अगर एक्स के को एस डैश में छोड़ दें, नया सेट नाम दिया एस वन, देखो सारे लिखे हैं वो एस डैश के, सिर्फ एक वो नहीं लिखा एक्स के क्लियरली। फिर वैसे ही करेंगे, मैं ये शो करने वाला हूँ कि लीनियर स्पैन की ये शो करने लगा हूँ, मैं शो करना है मैंने कि लीनियर स्पैन ऑफ एस वन वी वी के इक्वल होता है, जैसे पहले एस डैश था, वो कैसे शो करेंगे, इसका एलिमेंट लेंगे वी का, ये ले लिया क्योंकि वी बी बेसिस है, ये इसके इक्वल है,
therefore x is written as linear combination of elements of b. यहाँ पे ये एक्स के की वैल्यू ये जो निकाली है यहाँ पे पुट कर दी मैंने, देखें पुट करके क्या बनता है, ये पुट कर दी तो ये बना, ये एज इट इज एक्स के की वैल्यू पुट कर दी. देखो देखिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन किसका आया, एक्स वन एक्स टू सारे आ रहे हैं, एक्स के माइनस वन, एक्स के नहीं आ रहा, एक्स के प्लस वन, टू एक्स एन तक, और y1, y2, ym सारे के लीनियर कॉम्बिनेशन है. ये हमारा क्या सेट था, ये अभी मैंने डिनोटेशन दी है s1 की, ये था s डैश था उसमें सारे थे, एक्स के भी था, s1 में नहीं है, देखो इसका एलिमेंट आ गया, देखो ये प्रूव हो गया, पहले s डैश था उसको ये प्रूव किया था, अब v s1 के लीनियर स्पैन तो भी ये हो गया. अब यहाँ पे फिर केस, अगर तो ये जो नया s1 बनाया अगर तो लीनियर इंडिपेंडेंट है, लीनियर स्पैन है ही है, देन इट इज ए बेसिस. अगर नहीं है तो ऐसे ही अगेन प्रोसीड करेंगे, फिर हम एक और एक्स के माइनस टू निकाल देंगे तो एस टू बनेगा, फिर एस थ्री बनेगा, एक एक करके निकाली जाएंगे तो लास्ट में क्या बनेगा, एंड में यही रह जाएगा, आफ्टर एन स्टेप्स के बाद सारे वाले एक्स खत्म हो जाएंगे, यही रह जाएगा. एंड ये इसका लीनियर स्पैन तो हम हर एक स्टेप में प्रूव कर रहे हैं कि ये वी के इक्वल तो है ही है. एंड ये लीनियर इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि ये पक्का लीनियर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये तो हमें गिवन ही है. देखोर एंड में ये तो बेसिस बनेगा ही बनेगा, देखोर कोई भी अगर सेट है उसको अगर वो लीनियर इंडिपेंडेंट है, अगर कुछ उसमें एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो वो बेसिस बन सकता है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का. ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन थ्योरम. ठीक है, इजी है, इसमें तो कुछ नहीं है, ध्यान से देखना है एक बारी, आपने वीडियो को पॉज करके दोबारा से करके देखना हो जाएगा इजी. नेक्स्ट बाकी तो इजी थ्योरम्स है, जैसे ये थ्योरम है 19, अगर W सबस्पेस है V का, अगर V फाइनाइट डायमेंशनल है देन डायमेंशन ऑफ W पक्का, क्योंकि इसका सबस्पेस है, इसकी डायमेंशन इससे पक्की छोटी होगी. ठीक है, ये हमने शो करना है, देखें कैसे शो किया, क्योंकि लेट बी वन हमने इसका बेसिस मान लिया W का, क्योंकि B1 W का बेसिस है, बेसिस मीन्स इट इज ए लीनियर इंडिपेंडेंट है. ये किसका आगे सबसेट होगा, क्योंकि W किसका सबसेट है हमारा V का, देयरफॉर इट इज ए लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V. अभी एक्सटेंशन थ्योरम किया, अगर B1 लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V हो, देयरफॉर B1 में कुछ एलिमेंट ऐड करके V के बेसिस बनाए जा सकते हैं, V कैन बी एक्सटेंडेड टू बी टू बना दिया, जिसका बेसिस वी का बन गया. अब हमें पता है बी वन में कम एलिमेंट होंगे क्योंकि ये छोटा है, इसकी एक्सटेंशन बी टू है, तो बी टू में एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होंगे. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस बी वन कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस बी वन, बेसिस बी वन में है की डायमेंशन डब्ल्यू, बेसिस बी टू की डायमेंशन कितनी है वी, देखो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी. यही हमने प्रूव करना था कि अगर W सबस्पेस है V का छोटा सेट है तो डिमेंशन ऑफ W इज ऑलवेज लेस देन डिमेंशन ऑफ V. क्लियर है, चलो नेक्स्ट थ्योरम क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इजी है. अगर W1 एंड W2 टू सबस्पेसेस हो V के, V हमारी फाइनाइट डिमेंशनल हो, देन डिमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डिमेंशन ऑफ W1 प्लस डिमेंशन ऑफ W2 माइनस डिमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2. ये हमने शो करना है, ये हमें सबस्पेसेस गिवन है, हमने ये शो करना है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ये देखने डरने वाली बात नहीं, लंबी जरूर है, ये हमने शो करना है. देखिए अब इसको कैसे शो किया, पहले की डायमेंशन को मैंने आर मान ली, इसकी डायमेंशन को एस मान ली, इसकी डायमेंशन को टी मान ली, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, हमने शो करना है डायमेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब कि इसके बेसिस में कितने एलिमेंट होने चाहिए, आर प्लस एस माइनस टी एलिमेंट होने चाहिए. ठीक है, अब हमें ये गिवन है कि हमने मान लिया इसकी डायमेंशन टी है, टी मीन्स इसके बेसिस में कितने एलिमेंट है, टी एलिमेंट है, वो मैंने नाम दे दिए. ठीक है जी, अब क्योंकि ये बेसिस है तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट किसकी होगी, W1 की भी, एंड ये लीनियर इंडिपेंडेंट सेट किसकी होगी, W2 की भी, क्योंकि ये इसकी लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है,
देखो बाय एक्सटेंशन थ्योरम इसमें कुछ एलिमेंट ऐड करेंगे इसके बेसिस बन जाएंगे, एज इट इज ये लीनियर इंडिपेंडेंट सेट डब्ल्यू टू को भी है, इसमें कुछ एलिमेंट ऐड करेंगे ये डब्ल्यू टू के भी बेसिस बन जाएंगे। पहले इसको डब्ल्यू वन के बेसिस बना, इसमें एलिमेंट्स ऐड कर दिए यू वन यू टू यू आर माइनस टी, देखो ये बेसिस बन गए डब्ल्यू वन के। यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितने हुए, यहाँ से यहाँ तो टी है यहाँ आर माइनस टी है, तो टोटल एलिमेंट्स टी हो गए, यही हमने माना है। ऊपर देखिए ये टोटल एलिमेंट्स आर हो गए, ये देखिए ऊपर मैंने यही माना ये स्टार्टिंग में डब्ल्यू वन की डिमेंशन कितनी है आर, एज इट इज डब्ल्यू टू की एस है कि इसके बेसिस में एस एलिमेंट्स होंगे, देखो अगर इसमें फिर कुछ एलिमेंट्स ऐड करेंगे, कितने एलिमेंट्स ऐड करने हैं ताकि इसकी डिमेंशन एस बन जाए, देखो इसमें मैंने ये एलिमेंट ऐड कर दिए, इसकी डिमेंशन ये डब्ल्यू टू बन गया, ये बेसिस डब्ल्यू टू का बन गया, ये बेसिस डब्ल्यू वन का बन गया। अब हमने शो करना था डिमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, ये हमने शो करना है, मीन्स इसके बेसिस में आर प्लस एस माइनस टी एलिमेंट हो गए। अब इसका बेसिस कौन सा लेंगे, एक तो ये लेना है जो बी वन, एक जो B2 के एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड किए हैं वो लेने हैं, B3 के जो एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड किए हैं वो लेने हैं, इन तीनों को कंबाइन करके इसका बेसिस बनेगा W1 प्लस W2 प्लस W1 प्लस W2 का। देखिए ये देखिए मैंने B4 क्लेम किया कि हमने ये शो करना है दिस इज दी बेसिस ऑफ W1 प्लस W2। बेसिस कैसे शो करेंगे, एक तो लीनियर इंडिपेंडेंट एक लीनियर स्पैन, पहले लीनियर इंडिपेंडेंट शो करते हैं, वो कैसे शो करेंगे, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो के इक्वल मानेंगे, उससे शो करेंगे जिसके ये कॉफिशेंट है वो सारे जीरो आने चाहिए, यही शो करना है। इसके लिए क्या किया, इसको एक तरफ रखा, बाकी दोनों को राइट साइड पे ले लिया, ये बना। अब इसको देखो इससे क्या पता चलता है, क्लियरली जो लेफ्ट हैंड साइड है ये डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू किसके डब्ल्यू टू के एलिमेंट है, ये जो E1, E2, U1, U2, U3 यू टू यू थ्री अप टू यू आर टी, ये किसके एलिमेंट के बेसिस किसके थे, बी वन के एलिमेंट थे, बी वन बेसिस किसका है, ये बेसिस डब्ल्यू वन का है, देयरफॉर दिस इज बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन है, ये डब्ल्यू वन को बिलोंग करता है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड डब्ल्यू टू को बिलोंग करती है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड डब्ल्यू टू को भी बिलोंग करती है, एंड डब्ल्यू ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो लेफ्ट हैंड साइड डब्ल्यू वन को भी बिलोंग करगी ना, लेफ्ट हैंड साइड डब्ल्यू टू को भी कर गई, लेफ्ट हैंड साइड डब्ल्यू वन को भी कर गई, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इंटरसेक्शन को भी करेगी, दोनों की इंटरसेक्शन हमें पता है, और वो क्यों, इसका बेसिस क्या था बी, देखो बेसिस क्या क्या डेफिनेशन होती है, एक तो लीनियर इंडिपेंडेंट, एक इसका लीनियर स्पैन किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ बी वन, अगर B1 का लीनियर स्पैन है, देखो लेफ्ट हैंड साइड इज B1 क्या था हमारा, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड एलिमेंट इज रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, अगर इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं ये आ गया, ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है जो जीरो के इक्वल है, ये डब्ल्यू वाई का है एंड ई आई का है, वो क्या सेट था हमारा, वो B3 था, देखिए जो हमने स्टार्टिंग में माना था B3 है हमारा बेसिस, देखो ये होगा लीनियर इंडिपेंडेंट, देखो इसके कॉफिशियंट जो होंगे वो सारे क्या होंगे जीरो, इससे आ गया गामा आई तो जीरो आ गया, हमने शो करना था बीटा आई गामा आई तो अल्फा आई जीरो, अगर इसको मैं स्टार में पुट कर दूं तो पीछे स्टार्टिंग में इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे गामा आई को जीरो पुट कर देंगे ये बन जाएगा, ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है, एक ई आईज का एक यू आईज का, इसका ये एंड ये हमें पता है बी टू जो था वो है B2 है because B2 is a basis, therefore basis means it is a linear independent, therefore इसके आगे वाले coefficient क्या आएंगे वो भी zero आएंगे, alpha is zero आ गया, beta is zero आ गया, gamma is zero आ गया, ये सारे zero आ गए, तो set क्या आ गया हमारे पास linear independent तो आ गया। अब next show करना है कि linear span इसके equal आना चाहिए, कैसे show करेंगे, इसका element लेंगे W1 plus W2 का show करेंगे it is a linear combination of B4, इसका कोई element लिया W1 प्लस W2 का X, अगर X इसका एलिमेंट है बाय डेफिनेशन X किस तरह का होगा W1 का एलिमेंट प्लस W2 का एलिमेंट, ये W1 का एलिमेंट है, W1 का बेसिस B2 है, देखो Y1 इज रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B2
एज इट इज y2 किसका एलिमेंट है, w2 का, w2 का बेसिस b3 है, इसके एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा, देयरफॉर b2 में आएगा, b2 में आएगा eis एंड uj, इसमें आ रहा था eis एंड wj, देयरफॉर x जो होगा इससे पता चला x क्या है, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में सारे के आ जाएंगे क्योंकि यहां पे EIs भी आ गए, UJ भी आ गए, यहां पे EIs आ गए, WJ आ गए, EIs भी आ गए, UI भी आ गए, WJ भी आ गए, इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B4, यही हमने शो करना था। देयरफॉर इससे हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी कि इट इज अ बेसिस, ये देखिए ये प्रूव हो गया, देयरफॉर इसकी डायमेंशन कितनी आ गई, ये हमारी थ्योरम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, ये जरूर करनी है आपने, इसके क्वेश्चंस भी। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है डायरेक्ट सम की। डायरेक्ट सम क्या होता है कि डायरेक्ट सम अगर W1 है W2 दो सबस्पेसेस हैं V के, देन V को हम डायरेक्ट सम, डायरेक्ट सम की ये नोटेशन है, डायरेक्ट सम कब कहेंगे अगर इसके एलिमेंट को यूनिकली लिख सकें, इसके एलिमेंट प्लस इसके एलिमेंट में, अगर V इज रिटन एज W1 प्लस W2 यूनिकली सिर्फ एक तरीके से लिख सके, इसके कोई भी एलिमेंट को यूनिकली इसके एलिमेंट प्लस इसके एलिमेंट में लिख सके, देन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट सम। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट सम है, एक और डेफिनेशन कह सकते हैं, अगर V इज अ डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2, देन W2 इज ऑर्थोगोनल, W2 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ W1 भी कह सकते हैं, या W1 इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ W2, अगर कॉम्प्लीमेंट शो करना है मीन्स हमने ये शो करना है। ठीक है, अगर डायरेक्ट सम शो करना है तो हमेशा इसका एलिमेंट लेंगे, उसको यूनिकली लिखेंगे, इसका एलिमेंट प्लस इसके एलिमेंट में यूनिकली सिर्फ एक तरीके से। अब इसके बाद एक थ्योरम आ जाएगी, उससे हम इसकी डायरेक्ट सम प्रूव करने का एक और ट्रिक आ जाएगा। देखिए ये थ्योरम कहती है अगर W1 एंड W2 दो सबस्पेसेस हों, V डायरेक्ट सम कब कहेंगे, पहली कंडीशन है कि V इज इक्वल टू W1 प्लस W2, सेकंड दोनों के इंटरसेक्शन में सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन हो, दैट इज जीरो। पहले हमें डायरेक्ट सम गिवन है, हमने दिए दोनों शो करने हैं क्योंकि डायरेक्ट सम है, देखो बाय डेफिनेशन इट इज यूनिकली V, एनी एलिमेंट ऑफ V इज यूनिकली रिटन है, ये तो सीधा लिखा गया क्योंकि यही डेफिनेशन होती है, इवन साथ में यूनिकनेस होती है। अब हमने सिर्फ यही शो करना रह गया, ये कैसे शो करेंगे, इसका एलिमेंट लेंगे, उसको शो कर देंगे कि वो क्या है, हमारा जीरो है, यही शो करेंगे। देखें x कोई भी इसका एलिमेंट लिया, इसको शो करना है हमने जीरो। अगर x इसका एलिमेंट है तो x किस तरह का होगा, x बिलोंग्स टू w1, इंटरसेक्शन मींस एंड x बिलोंग्स टू w2, क्योंकि x w1 का एलिमेंट है, x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x w2 का एलिमेंट है, ये हो गया w1 का, जीरो सबस्पेस w2 सबस्पेस है उसमें जीरो तो हो गई, एज इट इज ये w1 का, ये w2 का, x को मैंने दो तरीके से लिख दिया बिकॉज बाई यूनिकनेस, यूनिकनेस से क्या आएगा, इट मीन्स ये दोनों सेम होने चाहिए कि इसके आगे वाले इधर x जीरो होगा, एज इट इज उधर यहां से भी x जीरो आया, यही हमने शो करना था। मतलब कि अगर v डायरेक्ट सम है तो प्रूफ करना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, अब रह गया इसका कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट क्या कहता है, अगर ये सबस्पेस है, v इज अ डायरेक्ट सम, v इज w1 प्लस w2, w प्लस 1 इंटरसेक्शन w2 जीरो है, हमने शो करना है डायरेक्ट सम। डायरेक्ट सम की क्या डेफिनेशन है, इसके एलिमेंट को यूनिकली लिख सकते हैं, इसके एलिमेंट प्लस इसके एलिमेंट, सम में तो लिख सकते हैं बाय दिस, बट यूनिकली हमने शो करना है बाय दिस, हम इसको सम में तो लिख सकते हैं, पहले हमने इसको सम में लिख लिया, ये सम में लिख लिया, ये W1 का एलिमेंट है, ये W2 का, यूनिकनेस शो करना है इसको, मान लिया मैंने दो तरीके से लिखा, ये W1 का है, ये W2 का है, हमने शो करना है ये दोनों इक्वल शो करने हैं। ठीक है, अब कैसे, ये x की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ये वाला वन वाले इकट्ठे कर लिए, टू वाले अलग इकट्ठे कर लिए, अब ये W1 का एलिमेंट है, ये W1 का है, तो दोनों का डिफरेंस ये सारा W1 का होगा, एज इट इज ये सारा W2 का होगा। अब ये देखिए ये एलिमेंट W1 का भी है क्योंकि ये इसके इक्वल है, तो ये W2 का भी हो गया। ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने यही किया, ये एलिमेंट W1 का है क्योंकि दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के भी इक्वल है, ये W2 का भी है, अगर ये दोनों का है तो दोनों की इंटरसेक्शन का भी होगा, दोनों की इंटरसेक्शन कितनी है, जीरो है, तो ये एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा, इसकी वैल्यू आ गई x1 = y1। अगर इसको मैं 3 में पुट कर दूं
तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो बन जाएगी, राइट हैंड साइड ये इससे आगे एक्स टू इज इक्वल टू वाई टू, देखोर यूनिकनेस भी प्रूव हो गई। देखो डायरेक्ट सम प्रूव करने का ये भी हमारा तरीका हो गया। अगर डायरेक्ट सम शो करना है यहाँ तो यूनिकनेस वाला कंसेप्ट शो करो, यहाँ एक तो ये वी इज रिटर्न एज डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू एंड सेकेंड डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू इज जीरो। एंड डायरेक्ट सम का क्या मतलब था कि डब्ल्यू टू इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ डब्ल्यू वन। जैसे नेक्स्ट ये लास्ट थ्योरम आती है इसकी, दैट इज हरेक सब स्पेस एवरी सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस हैज ए डायरेक्ट सम एंड उसका कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट होगा। लेट डब्ल्यू वन इज ए सब स्पेस ऑफ वी, इसका मैंने एक डब्ल्यू टू निकालना है सच दैट वी इज ए डब्ल्यू वन डायरेक्ट सम डब्ल्यू टू। अब क्योंकि डब्ल्यू वन सब स्पेस है देयरफॉर इसका कोई ना कोई बेसिस होगा, इसका बेसिस मान लिया बी वन है क्योंकि बी वन बेसिस है, इट इज लीनियर इंडिपेंडेंट। बाय एक्सटेंशन थ्योरम इसमें कुछ एलिमेंट ऐड करेंगे तो वो इस बेसिस किसके बन जाएंगे वी के। हमने ऐड कर दिए एलिमेंट डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू, ये वाई वन वाई टू वाई एम ऐड कर दिए। जो ये एलिमेंट ऐड करिए हैं मैंने यही शो करने लगा हूँ दिस इज दी लेट डब्ल्यू टू मान लीजिए इससे जनरेट हुआ हुआ है, इस सेट से जनरेट हुआ हुआ है। हम शो करने लगे हैं जन जो बना वी इज डायरेक्ट सम ऑफ दिस। डायरेक्ट सम कैसे शो करेंगे, एक तो सम एक डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू इज जीरो। ठीक है देखें पहले फर्स्ट पार्ट देखें, हमने ये शो करना है v इज इक्वल टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू। कैसे शो करेंगे, इसका एलिमेंट लेंगे क्योंकि x v का एलिमेंट है, v के बेसिस ये हैं, देयरफॉर x को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ये हमारा डब्ल्यू वन का एलिमेंट है गिवन है क्योंकि ये बेसिस हैं, ये डब्ल्यू टू वाई वन वाई टू वाई एम से जनरेट हुआ है, ये वाई डब्ल्यू वन का एलिमेंट है, ये W2 का है, देयरफॉर x बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, देयरफॉर ये फर्स्ट पार्ट तो हमारा इजीली हो गया, इजी है ये तो। अब सेकंड पार्ट हमने शो करना है कि दोनों की इंटरसेक्शन जीरो है तो हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगी। अब हमने शो करना है कि दोनों की इंटरसेक्शन जीरो है, कैसे प्रूव करेंगे, x का एलिमेंट लेंगे हम, शो करेंगे कि x जीरो है। अगर x का एलिमेंट है बाय डेफिनेशन x पहले का होगा एंड x दूसरे का होगा क्योंकि w1 के बेसिस ये हैं, देयरफॉर x इज रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। अगर x w2 का एलिमेंट है, w2 इससे जनरेट हुआ हुआ है, देयरफॉर x लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v2 के लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू इसके में मैंने पुट कर दी, ये पुट की ये बना, इसको इधर ले गए ये बना, ये देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन किसका है, x1 x2 y1 ym लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के इक्वल है। ये किसके एलिमेंट होते हैं, ये b के ही थे याद हो, तो b क्या है हमारा बेसिस है, बेसिस मीन्स लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो जो इसके कॉफिशेंट होंगे वो सारे क्या होंगे जीरो होंगे। इसको अगर मैं इसमें पुट कर दूंगा अल्फा इज जीरो है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। यही हमने शो करना है, दैट्स इट। वेक्टर स्पेस में अगर आप इतनी थ्योरम्स कर लो तो बहुत है, दैट्स एनफ, इसके बाहर कोई थ्योरम नहीं आएगी। आई होप आपको पसंद आया होगा लेक्चर, अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करना है एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर करें ताकि इस लॉकडाउन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो सके। ठीक है जी, एंड एक और याद रखना है, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करना है अगर कोई और आप चाहते हो मैं किसी और टॉपिक पे लेक्चर बनाऊं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करो, या कुछ इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हो कि इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकती हो लेक्चर्स में, कोई थ्योरम और इजी वे से हो सकती हो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करना आपने। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।